श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावान करे चिदे वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव चल मनोहम गदिम पत्ये मोक्षामि समय पारो मीण मूषु केवली मैदम इस भवतरु का मूल इक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिये मोक्ष उपाय करिये मोक्ष। देवलो देव शास्त्र गुरु की कल क्या चर्चा की थी अपन ने, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। निर्विचार किसको कहना, विचार शून्य होना है ना, ज्ञान का परिणमन नहीं होना, और ऐसा तो संभव नहीं है, है ना। जाने बिना जीव रहता नहीं है, है ना बाबू जी, जाने बिना रहता नहीं है। कितना जानता है ये तो बंटवारा है, प्रकट पर्याय में कितनी उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जीव जाने बिना रहे नहीं। और तू जानना शून्य होना चाहता है सुखी होने के लिए, वो तो संभव है नहीं। इतनी बात तो अपन ने कल चर्चा में की। तो फिर साहब कैसे सुखी हुए, तो उन्होंने कहा निर्विकल्प, उसके आधार से सुखी हुआ जाता है। तो यहां निर्विकल्प की अपन ने क्या परिभाषा तय करी थी, एक तो निर्विकल्प होता है उपयोग अपने स्वद्रव्य में एकाग्र हो जाए, है ना, और विकल्प छूट जाए। एक तो होता है शुद्ध उपयोग की दशा, ठीक है। और एक निर्विकल्प कब का है यहां पर, कि चारित्र गुण के अंदर जो वीतराग धारा चलती है, राग द्वेष रहित धारा, उसको टोटल मोदी साहब ने यहां क्या लिया है, निर्विकल्प बना, ठीक है। इतनी बात अपने को यहां पर अच्छे से समझनी है। देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर निकालिए 223। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है ना। छद्मस्त जितना भी जानेगा, कैसे जानेगा, विचार सहित जानेगा, और कहो इच्छा के साथ जानता है ना। क्या अब जहां तक आपको बुद्धिपूर्वक पकड़ में आता है वहां, और फिर अबुद्धिपूर्वक जो चेंज होता है वो जाने दो। लेकिन केवली भगवान को जो जानना होता है उसमें क्या है, मन का अवलंबन नहीं रहता। जानना तो उनके भी होता है लेकिन मन का अवलंबन नहीं रहता, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा। किसका अभाव मानने से, अगर विचार को आप शून्य करोगे, निर्विचार उसको ही आप धर्म मानोगे, तो ज्ञान रहित होना पड़ेगा इस जीव को, और ज्ञान रहित मतलब जड़ होना पड़ेगा, और वो तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, ऐसी तो व्यवस्था नहीं है, है ना। यहां तक अपन ने कल बात कर ली थी, इसीलिए विचार तो रहता है। टोटल मजे साहब ने पूरा सार क्या बताया,
विचार तो रहता है, किसके रहता है विचार? छद्मस्त के, है ना। छद्मस्त दशा कब तक है? बारहवें गुणस्थान तक है, ठीक है। आंशिक रूप से जीव सुखी कब से होने लग जाता है? चौथे गुणस्थान से, ठीक है। चौथे गुणस्थान से जीव सुखी होने चालू, ठीक है। और विचार बारहवें गुणस्थान तक रहते हैं। जैसे जैसे गुणस्थान वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसका क्या होता है? सुख बढ़ता जाता है, ठीक है। ये इतना तो आपको पकड़ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन विचार शून्य नहीं होता, मुद्दे वाली बात तो ये। तो फिर क्या होता है सुखी होने में? तो वहां कह रहे हैं कि वितरागता बढ़ती है। क्या क्या बढ़ती है जी भैया? वितरागता बढ़ती है। जैसे जैसे वितरागता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीव के सुख बढ़ता जाता है। आई बात है क्या? सुख कैसे बढ़ता जाता है? वितरागता बढ़ती जाती है। जानने में क्या आ रहा है उससे कोई संबंध नहीं है सुख का, वो ज्ञान का परिणाम है। और एक बहुत मार्मिक बात बताऊं आपको, बहुत आपको बेसिक बात, कि जगत के अंदर जितने भी गेय हैं, सब में एक प्रमेय नाम का सामान्य गुण है। क्या? अरे छह सामान्य गुण का नाम पता है आपको? क्या बता? नाम बता। अस्तित्व, बहुत सुंदर, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ठीक है। ये सामान्य गुण है ना। उसमें से प्रमेयत्व गुण क्या क्या कहता है? वह द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। मतलब दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में कहें, वह किसी न किसी के द्वारा जाना ही जाता है। क्या प्रमेय गुण क्या कहता है आदित्य? किसी न किसी के द्वारा जाना ही जाता है। अगर उस द्रव्य में इस प्रकार की शक्ति गुण न हो तो फिर उसको कौन जाने? है? कौन जाने? तो वो तो द्रव्य में पड़ी हुई। और दूसरा, ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान की विशेषता क्या है? कि वह स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है ना। तो अब मैं गे भी हूं और मैं ज्ञान भी हूं। तो ज्ञान, ज्ञान में मतलब क्या? कि मैं स्व और पर दोनों को जानने की ताकत वाला भी हूं, और स्वयं जानने में आने वाली, मैं स्वयं किसी के द्वारा जाना जाए, ऐसी मेरे में प्रमेय नाम का भी गुण है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अभी देखो मार्मिक बात, यदि समस्त द्रव्य में प्रमेय नाम का गुण है और वो किसी न किसी के द्वारा जाना ही जाए, तो फिर जानने में आपको दुख कैसे होगा? वो तो उसके सामान्य गुण में पड़ी हुई बात है। बात पकड़ में आई आपको? है, कोई न कोई तो जानेगा अजित भैया, है। जिसके जानने में आए, अगर वो जानने में आए तो वो दुखी हो जाए, तो फिर तो सुखी कौन होगा? फिर तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए यह कहा, क्या कहा, कि जानने के कारण दुख नहीं है। किसके कारण दुख है? राग द्वेष के कारण दुख है। ये अपने को अच्छे से अपने चित्त में बिठानी है बात। क्या बिठानी है बात? जानने से दुख नहीं है, घबराना नहीं। दुख का असली कारण क्या है? राग द्वेष। जानना मिटाना नहीं है। क्या? जानना मिटाओगे तो आपका जीवपना ही समाप्त हो जाएगा, और ऐसा संभव है नहीं, है ना। अभी तो अपन संगीत पंचेंद्रिय है, अपने को विचार करने की शक्ति है, हा? और अपना जो है विचार पूर्वक जानना है। चलो आगे देखो क्या कहते हैं। तथा यह कहे कि, कौन कह रहा है ये? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या कह रहा है? कि एक सामान्य का ही विचार रहता है। किसके? किसके? बोलो भाई। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या कह रहा है? कि उसके एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। किसके? नहीं,
किसके? भूल गया तो अभी एक पेज तो पढ़ा नहीं अपन ने आगे। यहां कह रहे हैं कि जिसके संवर्ण निद्रा होती है उसके एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। क्या क्या कह रहा है वो? फिर से बोलो, क्या कह रहा है वो? जिसके संवर्ण निद्रा होती है उसको एक सामान्य का ही विचार देता है, विशेष का नहीं। सामान्य का विचार किसको बोलते हैं और विशेष का विचार किसको बोलते हैं? सामान्य मतलब बाबू जी द्रव्य, द्रव्य ठीक है, विशेष मतलब पर्याय, और स्वद्रव्य तो स्व सामान्य, आई बात समझ में? और शुद्ध सामान्य स्वद्रव्य, शुद्ध स्वद्रव्य मतलब अपने एक ज्ञायक भाव का विचार। क्या? शुद्ध स्वद्रव्य सामान्य, क्या हुआ? शुद्ध स्वद्रव्य सामान्य मतलब एक अपना ज्ञायक भाव जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है ना, जिसमें अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं, उसका विचार करे तो इस जीव के संवर्ण निद्रा और अपनी ही पर्याय में गुणस्थान आदि का विचार करे, रागादिक का विचार करे तो उसके आश्रव बंध, अन्य द्रव्य के संबंध में विचार करे तो आश्रव बंध, अन्य द्रव्य की पर्याय के संबंध में विचार करे तो आश्रव बंध, ऐसा निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने माना। क्या माना है उसने? क्या माना है बोलो भाई, फिलहाल साहब क्या माना है? शुद्ध स्वद्रव्य का विचार। देखो अभी समझो आप बात क्या है, एक तो अपना स्वद्रव्य, स्वद्रव्य में शुद्ध और अशुद्ध दो विभाजन कर दिए। शुद्ध में तो आ गया अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव और अशुद्ध में आ गया अपना पर्याय का पक्ष, ठीक है, ये तो हो गया अपने द्रव्य का विभाजन, और पर द्रव्य में द्रव्य का और पर्याय का, तो वो क्या मानता है? एकमात्र इसका विचार करेंगे तो है संवर्ण निद्रा, और बाकी सब का विचार करेंगे तो इसका मतलब है आश्रव बंध, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई आपको? कठिन तो नहीं हो गई? अब टोडरमलजी साहब यहां क्या समझा रहे हैं उसको कि विचार के आधार से आश्रव बंध संवर्ण निद्रा का संबंध नहीं है, ये बात समझा रहे हैं पूरे तीन चार पैराग्राफ। वो कह रहा है कि जिसको संवर्ण निद्रा है उसको एक सामान्य का ही विचार होता है, विशेष का और अन्य द्रव्य का विचार नहीं होता। अब टोडरमलजी साहब का उत्तर सुनो, यहां तक प्रश्न तो समझ में आ गया आपको? हाजी या नाजी? यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। मिला ही नहीं बाबू जी, पेज नंबर नहीं मिला आपको? पेज नहीं मिला? 210 ग्रंथ में वो डाल दो ना, क्या बोलते हैं पे कागज का टुकड़ा ताकि सीधा वही खुले है? लगी हुई डोरी। एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? कौन कह रहा है ये पंक्ति? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। उसका क्या कहना है कि एक सामान्य इसका यदि विचार चलता है तो है संवर्ण निद्रा, और विशेष और अन्य द्रव्य का सामान्य विशेष की चर्चा करेंगे, विचार करेंगे तो है आश्रव बंध। तो टोडरमलजी साहब का उत्तर सुनना, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं। क्या क्या बाबू जी? बहुत काल तक आप सामान्य का विचार तो रहता ही नहीं। मैं शुद्ध हूं, 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 फिर क्या? फिर थोड़े समय बाद विचार पलटेगा तो फिर नाना प्रकार अपनी अशुद्धता का विचार भी होगा, लोक के संबंध में विचार भी होगा, अन्य द्रव्य के संबंध में विचार होगा, अन्य द्रव्य के गुण पर्याय के संबंध में विचार होगा, विचार तो पलटेगा। कब तक पलटते हैं विचार? अरे कब तक बाबू जी? 12वें गुणस्थान तक। अपन ने पढ़ा है ना पृथकत्व वितर्क विचार, विचार मतलब पलटना, विचार का मतलब क्या है?
पलटना है, तो वो तो पलटेंगे, एक में टिका हुआ नहीं रहेगा। एक सामान्य का विचार तो इसके निरंतर चलेगा नहीं, और तूने सिर्फ सामान्य के विचार को ही संवर निद्रा माना है ऐसा तो है नहीं। वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। तो क्या गजब की बात लिखी डोडो में साहब, क्या गजब साहब, क्या कह रहे हैं? एक सामान्य विशेष की अपेक्षा बिना, क्या बाबू जी, सामान्य का स्वरूप में आपको उसकी महिमा नहीं आती। जब तक आप अनित्य अनित्य को नहीं जानोगे तो नित्य की क्या महिमा है आपको नहीं मालूम है ना। जगत में आपको बोलते नहीं हो बच्चों को, जैसे कि तूने अभी वो पैसे की कमी देखी नहीं है तो तेरे को पैसे की इज्जत नहीं है, क्या बोलते हो आप? ऐसा बोलते हैं जगत में, बोलो वो क्या बोलते हो आप? जैसे भैया जिनके पिताजी ने वो समय देखा होगा जब उनके पास साधन कुछ नहीं है ना, ऐसा समय देखा होगा, और आज उदय परिवर्तित हो गया तो उनके पास बाहर में संपन्नता है। अब बेटा बोलेगा ये तो 5,000 की चीजें पापा खरीद लो, क्या लगता है, है? 10,000 की चीजें क्या लगता है? तो फिर पिताजी उसको बोलते हैं अभी तेरे को पैसे की कीमत पता नहीं, क्यों उसको मालूम नहीं है 5,000 रुपया है, ये 10,000 रुपए का मोबाइल है, ये 50,000 का बाबू जी कीमत नहीं मालूम है? वो फट अभी आपको नेट में बता देगा, देखो यहाँ अमेजन में ये रेट में मिल रही है और यहाँ इस रेट में, कीमत नहीं मालूम है? तो फिर आप बोल रहे हो तेरे को पैसे की कीमत पता नहीं है, क्या कहना चाह रहे आपने बताओ, बोलो भाई कीमत पता नहीं है क्या उसको? हाँ बाबू जी बताए ना कीमत, अरे हम वो कह रहे हैं तेरे को कीमत मतलब वो जब तक तेरे को उसकी पैसे के अभाव रूप जीवन में क्या प्रॉब्लम थी वो यदि तेरे ज्ञान में नहीं है तो तेरे को इसकी महिमा नहीं आएगी कि 10,000 की क्या कीमत है। आई बात समझ में आपको, वो कीमत की बात है। आई ये सब क्या अनित्य में क्या होता है तेरे को पता नहीं तो तू नित्य की तेरे को महिमा नहीं आएगी बाबू जी, क्या कहता था? कसाय में क्या होता है उसकी तरह तेरे को अगर प्रॉब्लम पता नहीं है तो अकसाय स्वभाव का आनंद उसका तेरे को महिमा नहीं आएगी, क्या है? क्या बात पकड़ में आ रही है? देखो इसका मतलब है कि विशेष को ही जानते रहोगे, वो कहना नहीं चाह रहे हैं आप। हाँ तो विशेष में ही अटके रहोगे तो अनुभूति नहीं होगी, बस गजब की बात है। क्या यहां कह रहे हैं कि विशेष की अपेक्षा के बिना, अपेक्षा मतलब रिलेटिव, रिलेटिव समझ में आई आप? बहुत बार आप जीवन में बच्चों को उदाहरण देते हो, देख उस बच्चे के पास तो साधन नहीं है और तेरे पास ये साधन है, ठीक है, वो साधन के अभाव में भी ये कर रहा है और तेरे पास साधन होने के बाद भी नहीं कर रहा है, तो ये आप उसकी बात क्यों कर रहे हो, आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो कि भाई मुझे ये करना है। लेकिन हमेशा जब आपको अपने साधन की कीमत बतानी हो कजाव साहब, उसके लिए सामने रिलेटिव, अभी ये हो रहा है कि नहीं, मोदी जी को सब घेर रहे हैं, बोले महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई, तो वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका में देखा है आपने, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो बाबू जी, क्या कह रहे हैं? अरे जब हम तो भारत की महंगाई की बात कर रहे हैं, आपको अमेरिका से क्या लेना देना, क्या कह जाता है? लेकिन वो रिलेटिव है भाई, वहां इतनी बड़ी है और यहां कम बड़ी है इसलिए तुम लाभ में हो, ये बताना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव। उनको वहां अमेरिका में कितनी बड़ी है उसको केंद्रित नहीं करना है, उनको ये कहना है कि यहां कम बड़ी है। आई बात समझ? अमेरिका की चर्चा करके भी उनको यहां कम बड़ी है ये बताना है, उसी प्रकार विशेष की चर्चा करके सामान्य को ऊर्ध्व करना है। आई बात समझ? क्या कठिन तो नहीं होगी बात, क्या अजित भैया कठिन तो नहीं होगी,
मात्र विशेष को जानते रहोगे तो काम नहीं होगा, और विशेष के बारे में जानोगे नहीं तो सामान्य की महिमा, सामान्य का स्वरूप आपको भाषित नहीं होगा। अभी अभी एक पक्ष ऐसा भी चला हुआ ओनली सामान्य 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 की बात करो, ऐसा भी पक्ष चल गया। हाँ भाई ज्ञान सामान्य कोई, लेकिन रिलेटिव है ना, रिलेटिव जैसा रिलेटिव है ना। आप अपने बच्चे को कहते हो तेरे को 40,000 की तनख्वाह मिल रही, देख भैया वो 20,000 में भी अच्छा सा अपना जीवन निकालता है, और वो बोलेगा साहब देखो ना उसको 2,00,000 मिल रहा है, है? तो आपने रिलेटिव जैसे ही 20,000 सामने कर दी है तो उसको 40,000 की महिमा आने लग जाएगी, जैसे ही आपने अनित्य को सामने कर दिया तो नित्य की महिमा आने लग जाएगी आपको, है? आपने वहां कसाय और यहां अकसाय भाव की महिमा आने लग जाएगी। आई बात समझ? तो क्या क्या कह रहे हैं, विशेष की अपेक्षा बिना, रिलेटिव है रिलेटिव भाव की अपेक्षा, मतलब अपेक्षा मतलब विशेष के बारे में जानना पड़ेगा आपको, वो एक समय का है तो त्रिकाल है, ये क्या कहना चाह रहे हैं क्या बाबूजी, वो एक समय का है तू त्रिकाल है, जगत में नहीं बोलते हो, ये दोस्त तो तेरे अभी का है और ये भाई तो तेरा है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए बोले क्या है भाई से नहीं लड़ना, ऐसा नहीं कहते बुजुर्ग जमाने, क्या कहते हैं मुझे वो दुआ याद नहीं आ रहा क्या, लेना हाँ क्या क्या चक्कर है, क्यों जैसा ऐसा क्यों, और दोस्त तो अभी का बना हुआ है और भाई तो तेरा जन्म से है, आयो किसी भी परिस्थिति हो जाए ऐसा। इधर एक कहावत भी चल रही है, देना भी है तो भाई को देना, और यू कर अगर भाई ने भी खाया है तो बोलना कोई बात नहीं भाई के गया है, कि तो ये क्या करना चाह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो, अरे भाई भाई को उर्द कर रहे हैं, आई बात समझ में, किसको उर्द कर रहे हैं, इतनी सब बात कह के किसको उर्द कर रहे हैं, भाई को उर्द कर रहे हैं, वो मेरा भाई नहीं तो खाया है क्या जैसा, क्या बोलते हैं बहुत जनों के मुंह से सुना हो, किसी ने नहीं खाया मेरे भाई ने ही खाया है, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई को पैसे दिए और भाई ने नहीं लौटा है तो बोले भाई ने खाया, तो साहब खाया है ये बताओ, अरे खाया नहीं भाई को उर्द कर रहा हूं मैं, आई बात समझ, किसको उर्द कर रहा हूं बाबू जी। ऐसे ही विशेष की चर्चा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य उर्द नहीं होता, लेकिन तू विशेष को पकड़ेगा नहीं तो तेरे को सामान्य की महिमा, विशेष को पकड़ना मतलब विशेष के संबंध में विचार नहीं करेगा तो सामान्य की महिमा नहीं आएगी, और विशेष को पकड़कर बैठ जाएगा तो काम होने वाला नहीं, ये बात है मुद्दा। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, यहां अपेक्षा शब्द लिखी अपेक्षा है रिलेटिव, देखो क्या कहते हैं, विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता है। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है पर का नहीं, क्या कह रहा है फिर ये कि जब संवर्ण निद्रा होती है तो मात्र अपना ही विचार होता है पर का तो होता ही नहीं, क्या भाई जी अपना विचार होता है, अपने में भी अपना शुद्ध सामान्य का विचार होता है, ऐसा इसने निश्चयवासी ने मान रखा है, न तो अपने विशेष का विचार होता है और न परद्रव्य का विचार होता है, और फिर वो उदाहरण लेके आया है समय सार कौन, हाँ भाई वो देखो उसने शास्त्र पढ़े, आपने पढ़े क्या समय सार, समयदार जी है वो तो हमने जब यहां चल रहा था तो क्रम में पढ़ लिए, अब उसके बाद काम खत्म नहीं बाबू जी, देखो क्या लाया कलश 130 नंबर, तो पर में बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी, वहां वह कहता है समय सार में ऐसा कहा है, क्या समय सार जी का कलश है 130 नंबर का, उसका यहां उन्होंने उदाहरण दिया, किसने दिया ये उदाहरण बाबू जी, निश्चयवासी विद्या दृष्टि में, और ये कलश तो बहुत बार आपने सुना होगा विद्वानों के मुंह से, ठीक है, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थापित नहीं हो जाए तब तक वेद ज्ञान की आरा चलाते रहना, है? सुना के नहीं सुना ये कलश, है? क्या करना जैसा जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठापित नहीं हो जाए स्थापित नहीं हो जाए तब तक आपको क्या करना है,
भेद ज्ञान का आरा चलाते रहना, वो ये कलश उसने यहां पर उद्धृत किया है। देखो पढ़ते हैं अपन कलश, भावेद भेद विज्ञान मिद मिच्छन धारया तावत्यावत्य पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। अर्थ पढ़ता हूं मेरे, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। क्या भेद ज्ञान को कब तक भाना? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। ठीक, ये बिल्कुल सीधा जैसा शाब्दिक अर्थ है जो ऊपर कलश है उसका। किसने कलश लिखा है? आचार्य अम्बेचंद स्वामी। ठीक है, 1000 वर्ष पहले। अब मेरा यहां आपसे प्रश्न है, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो इसका क्या अर्थ है? ज्ञान ज्ञान में स्थित हो उसका क्या अर्थ है? बोलो भाई, बोलो भाई, जल्दी बोलो, बोलो भाई, बोलो। भेद ज्ञान का आरा कब तक चलाना है बाबूजी? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित हो इसका क्या अर्थ है? बोलो। सबको चांस दूंगा मैं, घबराओ नहीं, लेकिन जितना बोलो कितना कितना सरल कलश है। क्या कहा जाता है? भेद ज्ञान का आरा निरंतर चलाना, मतलब भेद ज्ञान निरंतर भाना कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं हो जाए। तो ज्ञान ज्ञान में स्थित होना मतलब क्या? बोलो भाई, बोलो भाई। एक तो है ज्ञान, आपका ज्ञान पर्याय, ठीक है, और एक आपका ज्ञान स्वभाव। ठीक है, ज्ञान सामान्य, ज्ञान स्वभाव। तो क्या ज्ञान अपनी ज्ञान पर्याय ज्ञान में स्थित हो जाए इसका ऐसा अर्थ है? ये बताओ क्या अर्थ है, बोलो भाई जल्दी। बहुत सुंदर अर्थ टोडर मजी साहब ने निकाला है। जनरली मतलब कहते रहो, टोडर मजी साहब की विशेषता है गजब। क्या कब तक भेद ज्ञान करते रहना? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। यदि ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए बाबू जी, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए और अंतर्मुहूर्त तक ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए, तो फिर तो केवल ज्ञान हो गया। फिर तो केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान हो गया तो फिर तो ये सब समस्या खत्म हो गई। निर्विकल्प विकार वितराग सहित जानना नहीं जानना, ये तो सब समस्या समाप्त हो गई। ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए मतलब क्या? जब अपने को ये बिल्कुल बैठ जाए क्या कि ये ही मैं हूं और ये मैं नहीं, ये अपने को समझ में आ जाए या ये स्वीकृति हो जाए, उसको कहना है ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। आई बात समझ रहा है? जैसे अभी बाबू जी ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, अभी तो आपने आगम से जाना और आपने युक्ति लगा के तर्क लगा के निर्णय भी कर लिया कि ये मैं नहीं हूं, जो भी आपको युक्ति लगानी थी, ठीक है, निर्णय कर लिया। अब निर्णय होने के बाद भी अंदर में अभिप्राय में आपके ये बात बैठी नहीं। क्या अभिप्राय के लिए अभी आपको करेक्शन करना है? क्या करेक्शन करना है अभिप्राय में? कि मैं तो कैसा हूं, मैं एक गायक भाव हूं, रागादिक में नहीं, द्रव्य कर्म में नहीं और शरीर में नहीं। अब आप ये भेद विज्ञान का आरा चला रहे हैं, ठीक है, अब भेद विज्ञान का आरा चलाया कि मैं एक गायक भाव हूं और बाकी मैं नहीं। अब ये आरा कब तक चलाना है? जब तक आपको ये निर्णय हो जाए क्या कि मैं मात्र, अनुभूति पूर्वक निर्णय हो जाए कि मात्र मैं गायक भाव हूं, ठीक है। फिर शरीर को जानना होगा तो कैसे जानना होगा? ये पर है, रागादि है तो कैसे जानोगे? ये आश्रव भाव है, ये विकार है। तो रागादि को विकार रूप जानोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रागादि को
आश्रम भाव रूप जानोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने निश्चयवासी ने क्या कर दिया कि उसको जानोगे तो आश्रम बंद है, ये माना उसने कर दिया, ये गड़बड़। आई बात समझ में क्या, कितनी बात पकड़ में आएगा आपको है? उसने क्या कर दिया जैसा, तो वो आपने पर्याय में लागा दी गए उसको जान लिया तो आपको आश्रम बंद है। अब यहां क्या कह रहे हैं टोटल मिल साहब इसका, इस कलश का, कि आपने रागादिक को पर रूप जाना, इसका मतलब आपने सही जाना। क्या बाबू, शरीर को आपने पर रूप जाना, शरीर को जाना लेकिन यदि पर रूप जाना सही जाना। क्या कर गया सर, क्या पुण्य के भाव को आपने क्या जाना, पर रूप जाना सही जाना। क्या बाबू है, और कठिन करूं कठिन, सम्यक दर्शन के भाव को क्या जाना भाव जी, पर रूप जाना तो सही जाना। कठिन तो नहीं हो गया हा? क्योंकि वो पर्याय है जो स्व है, एकमात्र त्रिकाली मेरा ध्रुव गायक, वो तो स्व, वो मैं हूं, और जो उसको छोड़कर बाकी मैं नहीं, तो जितने भी उसको छोड़कर आपने जाना यदि पर रूप जाना तो आपने सही जाना। अब ये कह रहा है जानना प्रॉब्लम है, और यहां टोटल मलि साहब कह रहे हैं पर को पर रूप जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्व को स्वरूप जानो पर को पर रूप जानो, जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, जो स्व है उसको स्वरूप जानो, ठीक है, और पर को ठीक है। क्या कह रहे हो साहब, ज्ञानी धर्मात्मा के स्वभाव आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या जानते हैं वो, क्या जानते हैं, पर रूप जानते हैं। तो ऐसा नहीं उनके स्वभाव जानने में नहीं आते है? पत्नी जानने में आती कि नहीं आती भाई, ज्ञानी धर्मात्मा, मकान जानने में आता कि नहीं आता, कार जानने में आती कि नहीं आती, कैसे जानते हैं वो, ये कार ये पर है तो पर रूप है, और अपन क्या जानते हैं, कह रहा गड़बड़ी। तो उसने क्या कर रहा, जानना बंद करा रहा है, और टोटल मलि साहब कह रहे हैं जो वस्तु है उस रूप जानो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्व नहीं है वो पर है तो पर रूप है। ये बात इस उसका इस कलश का अर्थ निकाला टोटल मलि साहब, क्या भेद ज्ञान कब तक चलाते रहना, जब स्व को स्वरूप जानने लग जाए और पर को पर रूप जानने लग जाए, कब तक भेद ज्ञान करते रहना अजित भैया, कब तक, जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए। इसका मतलब क्या, स्व को स्वरूप जानने लग जाए, कल्याण साहब क्या इसका अर्थ, स्व को स्वरूप जानने लग जाए उसको कहते हैं ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठापित हो गया, यह है। अरे वो है नहीं, वो ये तो मैं कह रहा हूँ वो अर्थ नहीं है, मैं वो पढ़ूंगा, आप घबराओ मत, आप आगे पूरा पढ़ूंगा मैं अभी। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तो एक अंतर्मूर्त के बाद तो केवल ज्ञान हो जाए, फिर वितराग दशा की और निर्विकल्प दशा की चर्चा क्यों की यहां पर, यहां ये सिद्ध करना चाह रहे हैं यदि आपकी पर्याय में राग द्वेष नहीं है तो आपको समझ आश्रम बंद नहीं है, ये समझा रहे हैं, फिर आप किसी को भी जानो, ये चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है बाबूजी, आपकी पर्याय आपके राग द्वेष बिना जानने का होए या स्व को स्वरूप जानने का होए पर को पर रूप जानने का होए तो फिर आप किसी को भी जानो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या यहां क्या समझा रहे हैं, यहां क्या समझा रहे हैं, बोलो भाई क्या समझा रहे हैं, यहां स्व को स्वरूप जानो और पर को पर रूप जानो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने पर को जानने का ही निषेध कर दिया है, टोटल मलि साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पर को पर रूप जानना इसका मतलब उसने सही जाना, क्या गलत थोड़ी जाना उसने, बात पकड़ में आ गई आपको। अभी वो स्थित होने वाला और शुद्ध उपयोग वाला वो वाला यहां नहीं लेना, देखो अब पढ़ते हैं, यहां तो यह कहा है, कहा 130 नंबर के कलश में,
हाँ, नहीं तो अभी कहीं गड़बड़ मत कर देना, जो कलश उसने उस कलश का ही अर्थ बता रहे। यहाँ तो यह कहा है पूर्व काल में स्व और पर को एक जानता था, क्या करता था बाबूजी वो पूर्व काल में शरीर को और आत्मा को एक जानता था, राग और आत्मा को एक जानता था, कौन? हाँ, फिर उसने आगम का अभ्यास किया, गुरु के मुख से सुना कि शरीर तो अलग है और तू अलग है, राग भिन्न है तू भिन्न है, तो इसने क्या करा विचार करके निर्णय लिया, हाँ साहब राग भिन्न है और मैं भिन्न हूं, और फिर उसने क्या करा वेद ज्ञान की आदि चलाई, और कब तक आदि चलाई, कब तक आदि चलाई बाबू जी? जब तक स्व को स्व जानने नहीं लग जाए, जिस समय स्व को स्व जानने लग गया इसका मतलब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। है? क्या आपने को, आपने को कहा आदि चलानी बाबू जी, करवट कहां चलानी है? वेद ज्ञान बोलते हैं, वेद ज्ञान मतलब क्या? स्व और पर, उसमें आदि चलाओ, कब तक चलाओ? जब तक आप स्व को स्व मानो नहीं तब तक तो आपको आदि चलानी, और पर को पर, अब चलाओ आप आदि, कितना सरल काम है। जैसा क्या क्या पर है, अरे पर द्रव्य तो पर है ही, शरीर पर है, फिर रागादिक पर है, और पर्याय एक समय की है, अब उसको हटा दो मत, फिर स्व क्या रह गया? एक क्या है भाव परम पारिणामिक भाव, ठीक, वो तो मैं, अब उसको मैं मानू और पर को जानू और पर जानू तो क्या गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं, बस ये बात यहां सिद्ध कर रहे हैं डॉक्टर भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं, पूर्व काल में स्व को और पर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए क्या किया, वेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने को ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। क्या बाबूजी? ज्ञान स्व को स्व जानने लग जाए और पर को पर जानने लग जाए तब तक भेद विज्ञान की आदि चलाना, ठीक है? क्या कह रहे हैं, कब तक बाबूजी, कब तक है? अभी ऐसा अपन अभी निरंतर अभी अभ्यास कर रहे हैं, आगम का अभ्यास कर रहे हैं, युक्ति का अवलंबन लिया, निर्णय लिया, फिर भेद विज्ञान किया, और भेद विज्ञान करके आप अपने को ये मतलब अनुभूति पूर्वक ये स्वीकार हो गया कि ये मैं हूं और बाकी मैं नहीं, ठीक है? फिर आप घर गए तो ये पत्नी है जानने में आएगी कि नहीं आएगी, है? ये बच्चे है, ये मकान है, जैसा जानने में आएंगे, तो कैसे जानने में आएंगे? ऊपर वो कैसे है बाबूजी? पर है, अपने विकारी भाव जानने में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। वो कैसे है? पर है। तो फिर उनको जानना तो आपको फिर बाबूजी आश्रम बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, पर को पर रूप जाना तो तुम्हें सही जाना है, कहां गड़बड़ है? बात पकड़ में आ गई आप? तो साहब उनको ही जानते रहेंगे क्या? अभी वो वाली चर्चा नहीं चल रही, अभी वो चर्चा नहीं चल रही, अभी तो यहां इस कलश का उनको ही जानते रहेंगे, है? एक बार और है ना, किसी व्यक्ति ने कोई बहुत पसंद की आपने जैसे कहीं खाया हुआ आपने, कोई जैसे रसगुल्ला खाया हुआ और आपको वो टेस्ट बैठ गया चित्त में, तो आपको बार बार क्या आता है विचार? वैसे ही अपने को खाना है, क्या खाना है, क्या कह जाओ साहब, क्या? वैसा ही, तो जिस जीव ने निर्विकल्प स्व संवेदन कर लिया ना, उसका जो आनंद लिया ना, तो उसके वो टेस्ट बैठ गया, क्या क्या बैठ गया? क्यों आज तक उस तरह का आनंद लिया नहीं उसने, ठीक है? तो वो क्या है, निरंतर उसके धारा चलती है कि मेरे को तो वही टेस्ट है, वही कार है ना, तो वो क्या करेगा उस टेस्ट के लिए, क्या करेगा? उपयोग को समेट कर बार बार उसके सन्मुख लाएगा, है ना? लेकिन अभी यहां क्या प्रकरण चल रहा है कि यदि स्व को स्वरूप जाना और पर को पर रूप जाना तो भी आपके संवर निजरा है, पर को जानने के कारण आपके आश्रव बंद है ऐसा नहीं, ये समझा रहे? आई बात समझ, मुद्दा समझ में आ गया आपको?
पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। लब्ध में ये चलते रहता है, लब्ध है ना, ज्ञान में दो विभाजन हो जाते हैं, उपयोग और लब्ध। लब्ध में अपने को अपने रूप जानता रहता है और पर को पर रूप जानते रहता है। उपयोग बाहर में रह बने, क्या बात पकड़ना है आपको? ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है, यह है मुद्दे वाली बात। क्या क्या कह रहे हैं टोडे मल्ली साहब? ऐसा नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, वितरकता प्रकट हो गई परिणति में और आपके पर का जानना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है गजराज साहब? पर को पर रूप जानता है, बीच में एक वो बहुत चक्कर चला था, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, इसीलिए वो अपेक्षा समझो आचार्य भगवान की। इंद्रियों के माध्यम से क्या चीज जानने में आती है, क्या चीज जानने में आती है? इंद्रियों के माध्यम से क्या जानने में आता है? फिर से बोलो, इंद्रियों के माध्यम में क्या जानने में आता है? इंद्रिया के माध्यम से रूपी चीज जानने में आती है, ठीक है? ओके, आपको पता है मति ज्ञान किसको बोलते हैं? पांच इंद्रियों और मन के द्वारा उनकी उपस्थिति में जानता है। तो जो है ना इंद्रिया, पांच इंद्रिया, ठीक है, वो जो जानेगी वो तो किसको जानेगी? रूपी को जानेगी। वो जो मन है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। अभी इंद्रियों का रोल खत्म, बाबूजी इंद्रिया तो किसको जानेगी, किसको जानेगी? इंद्रिया ठंडा गरम कड़ा नरम है ये जानेगी, लाल पीला हरा नीला है किसको जानेगी, है सुगंध दुर्गंध क्या जानेगी, है? और जानना क्या है अपने को, कहो साहब? आत्मा जानना। तो वहां इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में आता है वो तेरे कुछ कार्यकारी नहीं है, तुझे तो आत्मा जानना है। इसलिए कहा कि उधर का तेरे को जोर तोड़ देना है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान। लेकिन उन्होंने ज्ञान ही उड़ा दिया कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं भैया, वो छयोत्सव ज्ञान है। कहने का मतलब समझ आई बात? चलो कभी आएगा प्रकरण तो चर्चा करेंगे उसकी। इसीलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। लो एक नई और परिभाषा आप टोडे मल्ली साहब ने दे दी। क्या दे दी विकल्प की? क्या परिभाषा दे दी बाबू जी? स्वद्रव्य को जानो या स्वद्रव्य के विशेषों को जानो, या परद्रव्य को जानो या परद्रव्य के विशेषों को जानो, उसका नाम विकल्प नहीं है। अरे क्या बात है, फिर विकल्प किसको कहते हैं? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। क्या क्या ये पंक्ति क्या कह रहे हैं टोडे मल्ली साहब? क्या कह रहे हैं जैसा? स्वद्रव्य को जानो या स्वद्रव्य के विशेष को जानो, मतलब पर्याय को जानो, या परद्रव्य को जानो या परद्रव्य के विशेष को जानो, उसका नाम विकल्प नहीं है। ये क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? अब इसकी अपन कल चर्चा करें। चिन्वाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, जनम दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनम दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया।
वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।